एक मिनट रुको, क्या हुआ, क्या हुआ, हटो हटो। सर वो देखिए वहां, वो देखिए सर, इसका मतलब कि वो धमकी सही थी, कोई मजाक नहीं था। लेकिन ये कौन है? लगता है सुसाइड बॉम्बर है ये। सीआईडी को फोन लगाओ। मिलेगा इसमें से? मिलने को कुछ बचा ही नहीं है बॉस। बॉडी में, बॉडी डिकम्पोज हो गई है, सड़ गई है। तो पहचानना मुश्किल है? नहीं, कोशिश करो। सबसे पहले ये जो हड्डियों पर इसके जो मांस के रेशे हैं, जो टिश्यूज हैं, इनको हटा के हड्डियां एकदम साफ करके देखता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के कोई चांसेस है? कोशिश करेंगे दया। फिलहाल मैं ये लाश को लैब में ले जाता हूँ। सर सब शॉक में, प्रिंसिपल रविश कह रहे थे कि कुछ दिन पहले कॉलेज को धमकी मिली थी। धमकी? बॉम्ब थ्रेट सर, किसी ने स्टाफ रूम के दीवार पे पेंट से लिख दिया था कि कॉलेज को बंद करो वरना इसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। पूरे कॉलेज को उड़ाने की धमकी और इतना छोटा सा ब्लास्ट, शायद अपनी धमकी का नमूना देने के लिए। लेकिन ये कैसा बॉम्ब है? जहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है वहां पे तुम्हें छर्रे मिलेंगे, बॉल बेयरिंग मिलेंगी, लोहे के टुकड़े मिलते हैं, कांच के टुकड़े मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, इंजुरीज हो। रेडी सर ठिकाना? नहीं सर, वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा। प्रिंसिपल रवीश, आपका स्टाफ रूम कहाँ है? सेकंड फ्लोर। आइए सर। चल। रवीश जी, आप तो कह रहे थे कि दीवार पर धमकी पेंट की गई थी, कहाँ है वो? सर मैंने मोबाइल में ये देखी सर। तो आपको इतनी जल्दी क्या थी इस दीवार को पेंट करने की? वो सर सारा स्टाफ घबरा रहा था सर, और स्टाफ रूम और कॉलेज का माहौल खराब हो रहा था, ऊपर से एग्जाम का टाइम आ गया था, इसीलिए मैंने करवा दिया सर। और ये पेंट किया किसने? वो सर अपना राम आदर्श ने। तो सर हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, उसी ने किया है सर। मैंने सोचा कि ये लोग देखेंगे नहीं तो कम से कम काम पे ध्यान दे सकेंगे। जब आपने वो धमकी देखी तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर की थी, पुलिस आई भी थी, उसने बहुत तहकीकात की, बाद में उन्होंने कह दिया कि किसी ने शरारत किया और चले गए सर। आपके कॉलेज के कॉरिडोर में CCTV कैमराज लगे हुए हैं ना, तो चलिए हम उसका वीडियो फुटेज देखते हैं, पता चलेगा कौन आया था अंदर। सारी फुटेज में देख चुका हूँ सर। तो फिर? लेकिन जितने लोग भी अंदर गए, बाहर आए, या तो प्रोफेसर थे या पीएन थे, बाहर का तो कोई भी नहीं आया। हाँ, लेकिन किसी ने धमकी यहाँ स्टाफ रूम में क्यों पेंट की? आपके कमरे में भी लिख सकता था, या कॉलेज का जो मेन गेट है वहाँ पे भी धमकी लिख सकता था, यहीं पे क्यों? देखिए रवि जी, कोई तो अंदर आया था। अरे सर, सर अभिजीत क्या कर रहे हो?
जहाँ ब्लास्ट हुआ वो स्पॉट इस खिड़की के बिल्कुल नीचे, और ये खिड़की स्टाफ रूम के बगल में, और ठीक खिड़की से लग के ये बेंच। क्लासरूम में आना ही था तो दरवाजे से आ जाते, ये हार्ट अटैक देने की क्या जरूरत थी? अरे यार, मैं चेक कर रहा था जो हमारा बॉम्बर है उसने कितना रिस्क उठाया था स्टाफ रूम में जाके वो धमकी वाला पेंट लिखने के लिए। क्या मतलब? सर, ये जो 65 नंबर बेंच में लड़का बैठा था उसने बॉम्ब नीचे फेंका है जो ठीक वहीं पे गिरा, और हमें वो कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े क्यों नहीं मिले पता है? मतलब वो होममेड बॉम्ब था? एग्जैक्टली, ये होममेड बॉम्ब था। ये जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें है ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, इससे बनाया गया था। तभी उस एविडेंस पैकेट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आ रही थी। ये ब्लीचिंग पाउडर सर उसके बेंच में भी है। सर, तो फिर ये बॉडी किसकी थी? सलूनखे एक अंकल फोरेंसिक लैब लेकर गया है, पता चल जाएगा कौन है वो। वैसे रवि जी, सारे स्टूडेंट कहाँ है? सर, सबको मैंने घर भेज दिया है। और ये स्टूडेंट कौन है टेबल नंबर 65 पे बैठने वाला? सर, 65 नंबर तो आर्यन का है। अरे सर, बहुत ही शरारती लड़का है सर, सारे प्रोफेसर की नाक में दम करके रखा है, बहुत परेशान करता है सर। आर्यन, चलो हम भी इस आर्यन को थोड़ा परेशान करेंगे। I'm sorry, sir. चुप! इसलिए कॉलेज ज्वाइन किया था? कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने के लिए? क्यों किया ये? सर, एग्जाम आ रहे थे और मेरी कुछ तैयारी नहीं थी, तो उस दिन मैं स्टाफ रूम के अंदर गया और कॉलेज को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दे दी। सोचा कि इससे कॉलेज मैनेजमेंट डर जाएगी और एग्जाम को पोस्टपोन कर देगी, जिससे मुझे और तैयारी करने का टाइम मिल जाएगा। ये सीखा कहाँ से बॉम्ब बनाना है? सर, इंटरनेट से सीखा, वहीं से सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सर, कोई भी घर बैठे वहाँ से बॉम्ब बनाना सीख सकता है। मैंने भी वैसे ही किया, और एग्जाम के दिन क्लासरूम में मैंने एग्जाम शुरू होने से पहले यही दिमाग पढ़ाई में लगाते तो कुछ अच्छा कर सकते थे। सर, मैंने ये सब एग्जाम को रोकने के लिए किया। सर, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन मारा तो सही ना? नहीं बस, आर्यन की वजह से किसी की जान नहीं गई। ये क्या कह रहा है तू? साल के बॉम्ब ब्लास्ट किया है इसने कॉलेज में? हाँ वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है, और उसी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से एक मर्डर केस हम लोगों के सामने आकर के खड़ा हुआ। बस जहां पर हमें वो ब्लास्ट साइट में कंकाल मिला था, वो कंकाल दरअसल एक 22 से 24 साल के लड़के की लाश है जिसकी मौत आज से 2 साल पहले हो गई। क्या? 2 साल पहले? हाँ। वो तो अच्छा हुआ इसके बॉम्ब की वजह से वहां पर ब्लास्ट हुआ, लाश बाहर निकली, वरना पता ही नहीं चलता कि एक लाश यहां जमीन में गड़ी हुई है। और मौत हुई कैसे होगी ये बताना बहुत मुश्किल काम है। बस कोई एविडेंस नहीं, सिर्फ हड्डियां मिली हैं, और उन हड्डियों पर ना तो कोई चाकू का निशान है, ना कोई बुलेट का निशान है, कुछ नहीं।
लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है? अभिजीत, ऐसे केसेस में गट फीलिंग काम नहीं करती। कुछ भी हो सकता है बॉस। हो सकता है किसी ने उसका गला दबा दिया हो, किसी ने उसे जहर दे करके मार दिया हो, या ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दी। लेकिन बॉस, इस सब के बावजूद एक कामयाबी जरूर मिली है। क्या? ये देखो, ये है। वही है सर। हाँ सर, इस कॉलेज में प्रिंसिपल से पहले मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर था और मैं सर सारे स्टूडेंट को पुश किया करता था कि उनकी केमिस्ट्री में रुचि रहे, लेकिन मुझे कभी इसको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका केमिस्ट्री में पहले से इंटरेस्ट था। बहुत ब्रिलियंट था सर। और नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड अवार्ड्स 2015, दो साल पहले। जी हाँ, ये हमने अवार्ड जीता था सर। और सालुंखे के मुताबिक अर्थ की मौत 2 साल पहले हुई थी। आपको किसी ने बताया नहीं कि अर्थ कहीं चला गया, कहीं गायब हो गया, या फिर किसी ने पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज की होगी? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं बताया। किसी ने बताया कि इसकी और इसके पिताजी की आपस में बनती नहीं है, ये घर छोड़ के चला गया। सर बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था सर, और पढ़ने में तो तेज था ही सर, और ये हमारे कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में असिस्टेंट का काम भी करता था। और सर इसे जो पैसे मिलते थे सर, उसे खर्च नहीं करता था, उसको सेविंग करता था। किसी खास चीज के लिए वो बचत करता था? कहता था कि मैं किसी एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा। हेलो सर, माय सेल्फ प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन एंड लोकल कॉरपोरेटर। इंस्पेक्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि जो ब्लास्ट हुआ है ये कोई सुसाइड बॉम्बर था? नहीं, कोई सुसाइड बॉम्ब अटैक नहीं था, बल्कि एक खून हुआ है। खून? जी हाँ, और वो खून 2 साल पहले हुआ है। आप ही का एक स्टूडेंट था अर्थ, उसका खून हुआ है। ओह गॉड, इंस्पेक्टर प्लीज, हमारे स्टूडेंट्स पे इसका बड़ा बुरा असर पड़ रहा है और मैं इस कॉलेज को जल्द से जल्द फिर से खोलना चाहता हूँ। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। हम यही चाहते हैं। थैंक यू। एंड यस, आपको किसी तरह की कोई मदद की जरूरत हो तो बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, मैं जो भी कर सकता हूं करूंगा। बस सिर्फ हमें अर्थ के घर का पता चाहिए। सर मुझे लगा कि अर्थ नाराज है, उसे गुस्से में है, जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद ब खुद घर वापस आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो... हमने सुना है कि आप दोनों के बीच अक्सर तूतू में होती रहती थी। हाँ सर, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ज्यादातर गलती मेरी थी। मैं अपने आप को एक अच्छा बाप साबित नहीं कर पाया। वो घर छोड़ के कब गया याद है आपको? 12 अगस्त 2015, बोला कॉलेज जा रहा हूँ, उसके बाद कभी वापिस नहीं। आपने अर्थ के दोस्तों से पूछताछ की थी? हाँ सर की थी, वो लोग भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। पुलिस में कंप्लेंट तो की होगी आपने? हर स्टेट के लोकल न्यूज़पेपर में मैंने उसके लापता होने की खबर छपवाई, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। हम अर्थ का कमरा देख सकते हैं? सर अर्थ के जाने के बाद से ये कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ लेने से अर्थ के खूनी को पकड़ने में मदद मिलेगी तो प्लीज आप ले सकते हैं। सब केमिस्ट्री के जर्नल्स हैं, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। सारुंखे साहब को भेज देते हैं, शायद वो कुछ बता सकें। ये जो फोटोग्राफ है यहाँ पे कॉलेज में प्रिंसिपल के साहब के साथ में जो 4 लोग हैं, उनको जानते हैं आप? हाँ, ये अर्थ के बचपन के दोस्त हैं, तुषार, लोकेश, वीर, खुशी, ये लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अच्छा,
इन लोगों से मिल लेते हैं, इनका एड्रेस दीजिए सर। जी अगस्त 2015 के कुछ दिन पहले, मुझे पता है मैं 2 साल पहले की बात पूछ रहा हूं, लेकिन देखो जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर, कुछ याद आता है क्या? क्या हुआ था? सर, एग्जैक्टली चीजें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे 6 अगस्त का दिन याद है, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। अच्छा। और उसी दिन मैंने अर्थ को देखा था, उसने उसने गेटवे को कुछ पैसे दिए और कुछ खरीदा उससे। गेटवे? हमारे कॉलेज AK स्टोन ब्रिज का वॉचमैन स्टूडेंट्स का फेवरेट था, उसके आगे के 2 दांतों के बीच में बहुत बड़ा गैप था, इसलिए हम सब लोग उसे गेटवे ऑफ स्टोन ब्रिज बुलाते थे। क्या असली नाम क्या है उसका? पता नहीं सर, हमने सालों से कभी उसे पूछा ही नहीं उसका नाम क्या था। हाँ सर, हम सब उसे बस गेटवे ही बुलाते थे। और कुछ याद है? हाँ सर, 6 अगस्त के कुछ दिन बाद मैंने अर्थ को गेटवे से कुछ बहस करते हुए देखा, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था उन दोनों के बीच में। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बुला लेंगे हम तुम्हें। क्या लगता है? स्केटवे को पकड़ना होगा, उसे जरूर कुछ पता होगा। और सर, ये अर्थ उस वॉचमैन से क्या खरीद रहा था? Excuse me, sir. मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि अर्थ मर चुका है। क्या? अर्थ मर चुका? ऐसा क्यों लगता है तुम? That I don't know. It's a gut feeling. मुझे पहले से पता था कि बस अर्थ इस दुनिया में नहीं है। और क्या वजह है आपके इस gut feeling की? वजह है सर, ये देखिए फ्रेंड्स बुक पे अर्थ का प्रोफाइल, ये सारे उसकी पिक्चर्स और पोस्ट। लेकिन 12 अगस्त के बाद उसने जो पोस्ट किया, मैंने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया तो आपने मान लिया कि वो मर गया? आई नो इट्स वियर्ड, लेकिन अर्थ मेरे हर कमेंट का रिप्लाई करता था। इनफैक्ट सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट मैसेज करता था, लेकिन 12 अगस्त को मुझे वो मैसेज भी नहीं आया। नो ऑफेंस, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, क्या आप और अर्थ रिलेशनशिप में थे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारा रिलेशनशिप दोस्ती से काफी बढ़कर था। तो आपके कहने का मतलब है कि 12 अगस्त के बाद ये सारे पिक्चर्स उसके प्रोफाइल से कोई और डाल रहा था? शायद। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हमने तो मोबाइल कंपनी से क्रॉस चेक भी किया। अर्थ ने जो जो फोटोग्राफ जहाँ जहाँ थे, जिस जिस दिन जिस जिस वक्त भेजे थे, वो सब के सब हमने क्रॉस चेक किए, बिल्कुल सही थे। एग्जैक्टली, मोबाइल थोड़ी देर के लिए ऑन होता था, लेकिन लोकेशन वही था जहाँ से वो फोटो डालता था। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैं ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन जानता है कि अर्थ कहीं नहीं गया था। इनफैक्ट वो कॉलेज से बाहर भी नहीं गया होगा। सर ये देखिए, खुशी सही कह रही थी, अर्थ कहीं नहीं गया था। ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने सारी फोटोज की रिवर्स इमेज चेक की। रिवर्स सर, जिससे वो फोटो की डिटेल्स पता चल जाती है? हाँ सर, जैसे हम कोई भी फोटोग्राफ इंटरनेट पे डालते हैं तो हमें उस फोटोज की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, वो फोटो कब ली गई थी, कितने बजे ली गई थी, सब कुछ। और अगर उस फोटो के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टैम्परिंग करता है, तो हमें ओरिजिनल फोटोज भी पता चलती है। और सर, अर्थ ने 12 अगस्त के बाद जितनी भी फोटोज यहाँ अपलोड की थी, मैंने उसकी रिवर्स इमेज चेक की। ये देखिए सर, क्या मिला है? फोटो वही है, वही लोकेशन है, वही टाइम है, सिर्फ अर्थ की जगह कोई और ही खड़ा है। किसी ने एडिट करके इसकी जगह पे अर्थ का चेहरा फिट कर दिया। एग्जैक्टली। मतलब अर्थ इन सब जगहों पे गया ही नहीं था, बल्कि ये तो कॉलेज से बाहर नहीं गया। वो बेचारा तो 12 अगस्त 2015 को ही मर गया था। पर उसे मारा किसने होगा?
ये तो वो गेटवे गेटवे वॉचमैन ही बताएगा, पता लगाना पड़ेगा कहाँ है वो। सर, प्रिंसिपल से बात हुई, गेटवे का असली नाम शैलेश है। अच्छा सर, 11 अगस्त 2015 को अर्थ ने शैलेश के खिलाफ कॉलेज के बोर्ड में लेटर लिखा था कि वो ड्रग्स बेचता है, ये शुगर हाई ड्रग्स, और 12 अगस्त को उसे नौकरी से निकाल दिया गया। हो ना हो, शैलेश का जरूर हाथ है अर्थ के कत्ल के पीछे। कॉलेज वालों ने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं की पुलिस में? नहीं सर, प्रिंसिपल ने कहा दया आ गई, शैलेश गरीब आदमी है, अकेला कमाने वाला, इसलिए छोड़ दिया। वैसे घर वालों से क्या पता चला शैलेश के? सर, शैलेश के घर वाले यहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हैं। उनकी तो शैलेश से 2 सालों से बात ही नहीं हुई, वो तो खुद उसे ढूंढ रहे। लेकिन उसके घर वालों को पता चल गया था कि शैलेश ड्रग्स बेचता है, तो उन्होंने सोच लिया होगा कि उसे पुलिस ने पकड़ लिया होगा और जेल में पड़ा होगा। ये किसी फैमिली है? एक बार ढूंढने की कोशिश की? 2 साल से गायब है ये शैलेश, एक बार भी घर वालों को कॉन्टेक्ट नहीं किया, नौकरी से निकाला गया और 2 साल से घर नहीं गया। तो गया कहाँ? गया, मुझे पता है शैलेश कहाँ होगा। सर मिल गया, ये सर, ये लाश तो पूरी तरह से कंकाल हो गई, इसे पहचानेंगे कैसे? डॉक्टर सालुंखे कहाँ? इस लाश को पहचानने के लिए सालुंखे साहब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कंकाल खुद ही बता रहा है अपनी पहचान। ये देखा, इसके दांतों के बीच में गैप है। कॉलेज का वॉचमैन शैलेश कुमार। सर कमाल, पार्किंग लॉट में 2 लाशें दफनाई हुई और किसी को कुछ पता नहीं। यू आर राइट, किसी को तो पता होना चाहिए, कम से कम उसको जिसने पार्किंग लॉट की टॉर्च बनाई। कॉलेज कंपाउंड के अंदर 2 लाशें दबी पड़ी मिली हैं और आप लोगों को कुछ पता नहीं है? जी नहीं सर। यहाँ पे जो ये पार्किंग लॉट का काम हुआ है, ये सारा ये भरनी वगैरह, ये कब हुआ था ये बता सकते हैं? ये सर 7 अगस्त 2015 को। 2 साल पहले इस समय अर्थ की मौत हुई थी, उसी के आसपास। यानी जिस किसी ने भी ये कॉन्क्रीटाइजिंग या ये मिट्टी भरने का काम किया, उसे पता था कि वो 2 लाशों के ऊपर मिट्टी डाले। ये काम किसने किया था ये सारा? राम आदर्श हमारे कॉलेज का कॉन्ट्रैक्टर है, सारा काम वही करता है। वही कॉन्ट्रैक्टर है जिसने ऑफिस की पेंटिंग की थी? जी हाँ जी हाँ, ये पार्किंग लॉट और मिट्टी डालने का काम उसी ने किया सर। ये राम आदर्श रहता कहाँ है? घर तो बड़ा आलीशान बनाया इस राम आदर्श ने, एक कॉन्ट्रैक्टर का इतना बड़ा घर।
ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं बेटा, मेरा तो जिंदगी से भरोसा ही उठ गया। देखो ना, कल तो अच्छा भला था राम आदर्श, और कल अचानक एक्सीडेंट में बेचारे की मौत हो गई। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट? पहले अर्थ और शैलेश मरे, अब ये राम आदर्श? राम आदर्श ही था इस केस से जुड़ा हुआ आखिरी गवाह। किसी की चाल लगती है बॉस, और ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। लगता है किसी को पता चल गया है कि हम इस केस में छानबीन कर रहे हैं। अपनी जान बचाने के लिए राम आदर्श को मार दिया। हो ना हो, है तो कोई कॉलेज का ही आदमी। उस तक पहुंचने के लिए कॉलेज की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। सर, स्टोनब्रिज कॉलेज की फाइनेंशियल हिस्ट्री एकदम क्लीन है। पैसों में और डोनेशंस के मामलों में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली। सर, एक आर्टिकल मिला है। 3 अगस्त 2015 को AK स्टोनब्रिज कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स पे एक अजीब सा साइड इफेक्ट हो गया था। सारे बेहोश हो गए थे, शायद किसी केमिकल का रिएक्शन था। ये कैसा केमिकल है? सर, वो तो अथॉरिटीज को भी पता नहीं चला। सब ने ये मान लिया कि किसी स्टूडेंट ने 2 रिएक्टिव केमिकल्स को गलती से मिक्स कर दिया। केमिकल रिएक्शन का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कि पूरे लैब में फैल गया? होता है अभिजी, कुछ कुछ केमिकल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है, जैसे कि नेंथफेनाइल। बॉस, मैंने अर्थ के केमिकल जर्नल्स देखे, उसमें एक बड़ी अजीब सी बात दिखाई थी। 10 अगस्त 2015 को उसने अपने केमिकल जर्नल में कुछ खास लिखा है। क्या? अर्थ ने केमिकल लैब में शुगर हाई ड्रग का टेस्टिंग करके उसका केमिकल फॉर्मूला निकाल करके लिखा। शुगर हाई, जिसे केमिकल भाषा में नेंथफेनाइन भी कहते हैं, ये एक एक्सटेसी ड्रग होती है जो एक अजीब सा नशा देती है। लेकिन ये अर्थ शुगर हाई की टेस्टिंग क्यों कर रहा था? एक मिनट, एक बार सब नोट करते हैं। 3 अगस्त 2015, स्टोनब्रिज कॉलेज के स्टूडेंट्स बेहोश होते हैं। 6 अगस्त, 6 तारीख को खुशी अर्थ को शैलेश से शुगर हाई ड्रग्स खरीदते हुए देख लेती है। 7 अगस्त को कॉलेज का पार्किंग लॉट बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है शुरू। 10 अगस्त, अर्थ शुगर हाई केमिस्ट्री लेबोरेटरी में टेस्ट करता है। 11 अगस्त को अर्थ कॉलेज बोर्ड को लिखता है कि शैलेश कॉलेज में ड्रग्स बेचता है। 12 अगस्त 2015, शैलेश को नौकरी से निकाला जाता है। और उसी दिन, मतलब 12 अगस्त को अर्थ का खून हो जाता है। हो गया? क्या समझ में आया? सर, इससे पूरी कहानी समझ में आ गई। कोई था जो केमिस्ट्री लैब में ही शुगर हाई ड्रग्स बना रहा था। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर, ये लगता नहीं है, कोई तो था जो कॉलेज के लेबोरेटरी में शुगर हाई ड्रग्स बनाता था, और वो भी रात में जब कोई नहीं रहता। और इसका साथ दे रहा था कॉलेज का वॉचमैन शैलेश, और फिर वही ड्रग्स शैलेश कॉलेज में स्टूडेंट्स को बेच रहा था। तभी 3 तारीख को स्टूडेंट्स लैब में बेहोश हुए होंगे सर। उसकी पिछली रात को सर ड्रग्स बनाने के बाद उन लोगों ने सामान को ठीक से साफ नहीं किया होगा, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। आया अब समझ में? ये तो समझ में आया, लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ को शक क्यों हुआ? सर, क्योंकि अर्थ लैब में असिस्टेंट का काम करता था। सर, उसने देखा होगा कि स्टोर रूम से केमिकल और लैब का सामान गायब हुआ, फिर उसे शक हुआ होगा। और जब ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसे यकीन हो गया कि लैब का कोई इस्तेमाल ड्रग्स बनाने में कर। फिर 10 तारीख को अर्थ ने लैब में शुगर हाई का टेस्ट किया, ये जानने के लिए कि वो सचमुच में ड्रग्स है या नहीं। फिर टेस्ट के बाद उसने सारी डिटेल अपने जर्नल में लिख दी। जब अर्थ को पता चला कि ये शुगर हाई वाकई में एक ड्रग है, तो उसने कॉलेज बोर्ड को एक लेटर लिखा। और जब ये बात उन ड्रग बनाने वाले को पता चला तो वो डर गए कि ये अर्थ उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए अर्थ को मार दिया। और फिर उसने शैलेश को मार दिया ताकि उसका कोई विटनेस ही नहीं बचे। लेकिन सर,
ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी हो सकता है जिसे केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत नॉलेज हो और जो अक्सर लैब में आता जाता हो। सर वो प्रिंसिपल रविश, उन्होंने तो शैलेश को भी पुलिस के हवाले नहीं किया था। केमिस्ट्री का नॉलेज तो लोकेश, तुषार और वीर को भी है, प्लस वो लोग हायर स्टडीज के लिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में गए थे, वो भी बिना स्टूडेंट लोन और स्कॉलरशिप के। इतना पैसा आया कहाँ से? सर उनके माँ बाप ने दिया होगा, या फिर सर उन्होंने कोई झोल किया होगा पैसों के लिए। कोई भी हो सकता है, इनमें से भी या कोई बाहर का भी, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सर एक बात है, ये आपको इस खुशी पे भरोसा है सर? क्यों दे? नहीं सर, अगर ये खुशी भरोसा करने के लायक है तो मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? अर्थ, शैलेश और रामादर्श तीनों मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारा राज अभी भी जिंदा है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे, तो आज रात कॉलेज के पार्किंग लॉट में 1 करोड़ रुपए लेके आ जाना। मेल पढ़ के खूनी जरूर घबरा जाएगा ये सोच के कि कोई तो है जिसे उसकी असलियत का पता है। सर हम श्योर आचरा तो जरूर आएगा और विटनेस को मारने की कोशिश भी करेगा। तो अभी तो कह रहा हूँ सर, इन सब के लिए खुशी की जान को खतरे में क्यों डालने का? शायद वो किसी अनजान आदमी को देख के वहाँ आए ना। और हमें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो कॉलेज का ही हो और जिसे देख के उसे लगे कि हाँ इसको उसकी असलियत का पता हो सकता है। खुशी तुम बिल्कुल घबराना मत, हमारी टीम वहाँ पे रहेगी। ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। ये GPS माइक्रोचिप तुम अपने पास रख लो, हम तुम्हें ट्रैक करते रहेंगे। कोई दिखा क्या? नहीं अभी तक तो नहीं, घबराओ नहीं, अलर्ट रहना बस। तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम सब लोग आसपास ही हैं, समझी? ओके ओके सर। मेल पढ़ के भी नहीं आया? अरे पंकज, शायद उसने मेल पढ़ा ही ना हो। क्या हो सकता है, जिनको हमने मेल किया खूनी इनमें से हो ही ना। खुशी आप काफी थक गई हैं, आप घर जाके आराम करो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, अगर किसी चीज की जरूरत है तो हमें फोन करना। ओके यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोगों ने मेल पढ़ा और वो चेक करने वहां पे आए ना। पूर्वी सर लोकेशन चेक करो, जहां पे खुशी थी उसके आसपास और कौन कौन था, और इस राम आदर्श की भी डिटेल चेक करनी पड़ेगी। इतना अमीर कैसे बन गया वो? खूनी को ब्लैकमेल कर रहा होगा। ब्लैकमेल कर रहा होगा तो पैसे कहां से आ रहे थे? रेडी, उसका अकाउंट चेक करो, देखो पैसे कहां कहां से आ रहे थे। सर यू आर राइट, कल रात तुषार, लोकेश और वीर की लोकेशन कॉलेज के आसपास ही थी। मतलब ये तीनों मिलके ड्रग्स बना रहे थे? इन तीनों के डिटेल्स निकालो पंकज। लेकिन सर अगर ये लोग वही थे तो फिर पार्किंग लॉट में आए क्यों नहीं? देखने आया होगा कि उनको ब्लैकमेल कौन कर रहा है। उन्होंने खुशी को देख लिया होगा,
उसकी जान खतरे में, फोन करो उसको। स्विच ऑफ हो रहा है? स्विच ऑफ सर, अभी दो मिनट पहले उसने फ्रेंड्स बुक पे स्टेटस अपडेट किया है, नीड अ ब्रेक, गोइंग ऑन अ हॉलिडे। तो फिर फोन स्विच ऑफ कैसे? कहीं खुशी को कुछ, वो चिप जो हमने दिया था ना उसके पास ही होगी, उसकी लोकेशन ट्रैक करो कहाँ पे है। सर इस राम आदर्श की राम कहानी समझ में आ गई। अगस्त 2015 के बाद उसे एक के बाद एक बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिलने लगे, जिसकी वजह से वो इतना अमीर हो गया, और ये सारे प्रोजेक्ट दिए एक ही आदमी ने, प्रणव, कॉलेज का चेयरमैन। सर एक शॉकिंग बात, प्रणव तुषार के अंकल है। माय गॉड, इसका मतलब तुषार और उसके दोस्त ये कॉलेज में ड्रग बना रहे हैं और प्रणव उनको शह दे रहा है, और अब वो लोग खुशी को मारना चाहते हैं। सर सर खुशी की लोकेशन पता चल गई। कहाँ पहुंचा? सर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके रुक गया है। जी सीमेंट है। खुशी 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 सर सही तो जिंदा है। खुशी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, पकड़े जाएंगे। तीनों को बाद में देखते हैं, पहले उस आदमी के कर्तन पकड़ते हैं जिसका हाथ इन तीनों के सर पर है। प्रणव ठीक है। आप लोग? जी हाँ, आप ही ने तो कहा था उस दिन जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास बेझिझक चले आना। ऑफ कोर्स आई रिमेंबर। आप प्लीज बताइए आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। नहीं इट्स ओके, हम यहाँ कुछ पूछने नहीं, एक बैड न्यूज देने आए हैं। बैड न्यूज? जी हाँ, वो लड़की थी ना खुशी, वो बच गई। खुशी? कौन खुशी? समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हैं आप? इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है, कुछ दवा वा लेंगे? या फिर आपकी याददाश्त ठीक करने के लिए आपको दिमाग की गोली दे। बॉस काम हो गया है। सर हमने उस लड़की को दफना दिया। जैसे अर्थ और शैलेश को दफनाया था। कम से कम जूतों के ऊपर से ये सीमेंट तो साफ कर लेते जिसके नीचे उस लड़की को दफना के आए हो, हैं? और उसे हमने बचा लिया। कहिए प्रणव जी, कुछ कहना है? मैं बहुत पैसे कमाना चाहता था और इसका सबसे आसान तरीका था ड्रग्स, और आजकल के बच्चों को इसकी लत लगने में ज्यादा समय नहीं लगता, और फिर मैं ड्रग्स बाहर से लेकर के अपने स्टूडेंट्स को नहीं बेचना चाहता था।
इसलिए तुमने अपने खुद के ड्रग्स बनाना शुरू कर दी इस कॉलेज की लैब में, और उसे बेचने का काम दे दिया वॉचमैन शैलेश को। और अर्थ को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुमने उसे मार दिया और शैलेश को भी मार दिया ताकि कोई विटनेस नहीं बचे। तुम्हें क्या लगा अर्थ के फोन को यहां वहां भेजने से पुलिस गुमराह हो जाएगी? तुम में से कौन सा महानुभाव है जो अर्थ का मोबाइल लेके भारत भ्रमण पर निकला था? तो तुम थे हैं? सोशल मीडिया पे फोटो अपडेट करने का बहुत शौक है तुम्हें, बहुत शहर घूम लिए, लेकिन मुजरिम कितना भी भटक ले अंत में उसे एक ही जगह आना होता है, जेल। तुम तीनों वहीं जाओगे और बहुत जल्द तुम्हारा भतीजा तुषार और उसके दो साथी लोकेश और वीर वो भी वहीं आ जाएंगे। टेलीविजन का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा करोड़पति का शुभारंभ होने जा रहा है। आपके अपने अमिताभ बच्चन 17 जून रात 9 बजे पूरे इंडिया से पूछेंगे रजिस्ट्रेशन का पहला सवाल। सोनी पर भूलिएगा नहीं, 17 जून रात 9 बजे केबीसी रजिस्ट्रेशन का पहला सवाल अमिताभ बच्चन के साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.